अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिव टीवी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबके दिमाग में ये बात होगी कि उमरा कब खुलेगा, कब हम हज करने के लिए जा सकेंगे और इस साल हज होगा या नहीं। ये बात तो हमें अप्रैल के महीने में मालूम पड़ेगी, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। आए दोस्तों, इस बात को हम हदीस की रोशनी में देखते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। सही बुखारी में है, अबू सईद से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज व माजूज के जहूर के बाद भी जो उमरा होता रहेगा। आगे यूं फरमाते हैं, सही बुखारी में एक जगह और हदीस है जिसका मफहूम है कि कयामत तब तक नहीं होगी जब तक खाना खाबा में हज तर्क ना किया जाएगा। यानी जिस साल हज मंसूख किया जाए, इसका मतलब योम हिसाब हमारे सर पर आ चुका है, मतलब हमारे करीब आ चुका है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मफहूम में बैतुल मामूल की कसम, फरिश्ते खाना काबा के ऊपर मतवाफर आते हैं। बैतुल मामूल अल्लाह का घर सातवें आसमान के ऊपर है, ही खाना काबा के ऊपर, जिसको बैतुल मामूल कहते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए, सातवें आसमान पर गए, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम उनके साथ थे और जिब्राइल अलैहि सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया। आपने पूछा, ये कौन सी जगह है? तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने बताया, ये बैतुल मामूर है। यहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना इबादत करने आते हैं और जब इनकी इबादत पूरी हो जाती है और ये चले जाते हैं तो ये वापस नहीं आते, नया दस्ता आता है। दोस्तों, ये तवाफ रुकने की बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ इंसानों का तवाफ इंसानों के हाथ में हो सकता है, लेकिन जिन और परिंदों का तवाफ जारी रहेगा वो शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस साल भी हज तर्क हो जाएगा उस साल से लेकर ईसा के नुज़ूल तक अहले इस्लाम के लिए वो वक्त अच्छा नहीं होगा और शायद अहले यहूद इसी साल का इंतजार कर रहे हैं। ये उनके लिए मैसेज, इसमें उनके लिए एक पैगाम छुपा हुआ है। उसके बाद के वाक्यात बता रहा हूँ आपको, जिसके अंदर जो मालूमात है, जो बताया गया है, वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें मेरे कोई अल्फाज नहीं है। उसके बाद होगा ये, मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। जिस वक्त ये बात हुई थी तो उस वक्त मस्जिद अक्सा इस्लाम के पास थी, आज ये यहूद के पास है, उस पे हमारे बस नहीं है। वहाँ पर हिफाजत के मामूल यहूदी फोर्स है और उनका ये ख्याल है कि थर्ड टेंपल हमें जो बनाना है वो यही जमीन है, यहीं पर बनेगा और वो थर्ड टेंपल बनाने लगेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पॉइंट करवा दूं कि ये हमेशा इन लोगों में हमारी गैरत चेक करते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, कि कभी 313 थे और ये जीत गए थे, 313 नंबर काउंट करते हैं। हम कहते हैं कि इस्लाम की फतह हुई थी, आज इस्लाम किस कंडीशन में है ये हमें खुद ही फैसला करना है। मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और वहाँ पर थर्ड टेंपल का कयाम होगा, हजरत दाऊद का तख्त रखा जाएगा जिस पर दज्जाल को बिठाया जाएगा। और अगर आप लोग देखें, गूगल सर्च कीजिए ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल का नक्शा आपको मिल जाएगा। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया का शामिल किया गया है, इसमें मक्का और मदीना शामिल नहीं है, आधे से ज्यादा इराक शामिल किया गया है, लिबरान पूरा शामिल किया गया है और सीरिया। जब ये नाम लेते हैं तो आप देखिए यहाँ माहौल है क्या, उसमें कुछ मिस्र का इलाका भी शामिल किया गया है। जब इस पूरे को देखते हैं तो आप खुद देखिए हाल है क्या, क्या वहाँ पर माहौल क्रिएट कर चुके हैं। अहले अरब का कहा गया कि जब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका होगा, जिसका इंतजार यहूद को था वो शुरू हो चुका है। हम लोग तादाद में 54 मुल्क हैं और यहूद एक मुल्क है, हम 54 उसके बराबर में हैं। इस तरह से बहुत मजादे हैं जिनके पास एक एक मुल्क है और उनकी हालत आप देखें, हम 54 हैं तो हमारी हालत भी आप देखें। इस वक्त अगर आप मिडल ईस्ट को देखें तो ब्लैक मेलिंग का बाजार गर्म है, हमारा साथ दो वरना तक पर नहीं रहने देंगे, हमारा साथ दो वरना कल फारी कर देंगे, हमारा साथ दो वरना तुम्हारे ही लोगों से तुम्हें मरवा देंगे, तमाम चीज़ें बोली हैं। लेकिन मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ कीजिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों, अल्लाह हमको इस वबा से बचाए जो वबा फैली है, क्योंकि सुनने में आया है कि वबा फैलाने वालों में और बनाने वालों में उनके पास इसका हल भी मौजूद है, वैक्सीनेशन भी मौजूद है। वो के बड़े मुल्क को वैक्सीनेशन भेजेंगे और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटर की तरह भेज देंगे, वो इस्तेमाल करेंगे और उस मुल्क का शुक्रिया अदा करेंगे जिसका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें था, क्योंकि डायरेक्ट जिन लोगों ने फैलाया है उनसे कोई नहीं खरीदेगा, बड़े मुल्क के जरिए इसको बेचेंगे।
हम लोग इसको खरीदेंगे, एहसान भी होगा और उनकी कमाई भी होगी और इस बीमारी का भी खात्मा होगा। लेकिन इस दरमियान अल्लाह ना करे ये वो साल ना हो जिसके बारे में मैंने कुछ गुफ्तगू आपसे फरमाई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह।